मुख्यमंत्री ने अपने एक बयान में आज कहा है कि जब तक जीवित रहेंगे जेपी के आदर्शों पर चलते रहेंगे। जेपी के लिए बिहार में बहुत कुछ हुआ है और हम लोग उनके बताए रास्ते पर आजीवन चलते रहेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री अमित शाह के बिहार आने पर उन्होंने कहा कि कोई भी आए जाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जेपी ने नागालैंड में 3 साल गुजारा है, इसलिए जदयू के कार्यक्रम में नागालैंड जा रहे हैं और वो जब तक जीवित रहेंगे तब तक जेपी के आदर्शों पर चलते रहेंगे। आप सबको मालूम है कि जेपी की जयंती तो हम लोग शुरू से ही मना रहे हैं और आप अच्छी तरह जानते हैं जो यहाँ इनका हुआ है, स्थापित किया गया, तो आप देख लीजिए। हम लोगों ने ही कहा था कि यहीं पर उनकी मूर्ति बननी चाहिए, तो बना है, यहाँ लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। तो हम लोग तो शुरू से और उसमें से जब से ये हो गया तो हम लोग सब करते हैं और जेपी के तो नेतृत्व में ही हम लोगों ने काम किया, जेपी आंदोलन में हम लोगों ने भाग लिया, उनसे हम लोगों ने निवेदन किया, वो तैयार हो गए, तो कितनी बड़ी बात है आप जानते ही हैं जितना उन्होंने किया है। तो उनके लिए उनकी स्मृति में तो हमेशा, और हम लोग तो उन्हीं के सिद्धांत को मानते हैं और जो उनकी इच्छा थी उसी को लागू करके बिहार को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोगों का तो एकदम उनके प्रति एक दूसरे तरह का लगातार, जिसको कहिए कि सब तक जब तक जीवित हैं तब तक इनको भूल नहीं सकते। और इनको तो कोई जाए उससे क्या फर्क पड़ता है, वो तो कोई भी जाए। हाँ, हम नागालैंड जा रहे हैं, आज ही वहाँ के लोगों ने आमंत्रित किया है, क्योंकि नागालैंड में भी जेपी 3 साल तक रहे थे, जो कहा जाता है 1964 उस समय से लेकर के 64 से 3 साल तक वहाँ रहे थे। अब वहाँ के लोग आते होते रहते हैं, बाप पहले भी गए हैं, अब उन लोगों की इच्छा थी कि एक बार उनका बहुत सम्मान लोग करते हैं वहाँ पर नागालैंड में, बहुत ज़्यादा जेपी के प्रति लोगों के मन में बड़ा श्रद्धा का भाव है, तो अब करते हैं हर बार, तो आज भी कर रहे थे, तो हमको भी बुलाया है, तुमके ठीक हम जरूर आएंगे, आज जा रहे हैं वहाँ। सर मुलायम सिंह का निधन हो गया है, सर नहीं तो ठीक ही बात, हम जाएंगे कल। उनके कल तो